साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पर। यह कदम है टिकाऊ खेती की ओर। साथियों, किसान समृद्ध कैसे हो, ये एक पहेली है और सरकार, वैज्ञानिक और जितने भी खेती के पद्मश्री अवार्डिड बुद्धिजीवी लोग हैं या जो भी खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायरेक्ट हैं इनडायरेक्ट हैं, वो आज प्रयास में हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे और कैसे उसकी आय बढ़े। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में सरकार ने किसान के लिए 3 बिल लाए जिस पर आज भी घमासान बना हुआ है। अब उसमें कौन गलत है ये तो खैर बुद्धिजीवी ही बता पाएंगे, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर किसान की आय कैसे बढ़े और कैसे वो समृद्ध हो पाए। हम आज आए हैं एक बहुत अच्छे किसान से आपको मिलाने के लिए, जिनका नाम है श्री प्रदीप यादव। जिस खेती की आज हम कल्पना करते हैं कि टिकाऊ खेती हो या ऐसी खेती हो जिसमें केमिकल्स का चलन ना हो, जिसे खाकर हम लोग, जिस उत्पाद को खाकर के हम लोग बीमार ना हों, हम लोग स्वस्थ हों, तो ऐसे ही एक बुद्धिजीवी किसान हैं जो बहुत ही लगनशील और मेहनत से काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बेहतर उत्पाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो टिकाऊ खेती की हम बात करते हैं या जैविक खेती की बात करते हैं, उसका एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है और उसको कैसे फॉलो करें, तो उन्हीं से जानेंगे। आइए मिलते हैं। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मास्टर जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है, गांव सुराना है और मैं प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हूँ और अध्यापन के साथ साथ अपनी जो खेती बाड़ी है उसको किस तरह से, जो परंपरागत तरीके से खेती आ रही है, होती आ रही है, उसमें क्या बदलाव करें कि जिससे कि हमारी आय भी बढ़े और हमारी खेती जो है सस्टेनेबल हो जाए, कि हमें हमेशा देती रहे, तो इस दिशा में मैंने काफ़ी प्रयोग किए हैं। मैं कई सालों से इस खेती में नए नए प्रयोग कर रहा हूं और हर साल कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग करते हैं। यादव जी, आज एक सबके सामने एक सवाल है कि सरकार, वैज्ञानिक और जितने भी किसान, खेती के बुद्धिजीवी लोग हैं, सबका एक तरफ ध्यान है कि किसान की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे और आर्थिक स्थिति के साथ वो कैसे आत्मनिर्भर बन पाए जिससे कि वो एक अच्छा जीवन जी पाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि किसान को क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अपने इतिहास में जाएं, तो हम ये पाएंगे कि अक्सर जो हमारे घर की ज़रूरतें हैं हम अपने खेतों से अपने घर पर ही पूर्ति कर लिया करते थे, मगर बीच में एक ऐसा दौर आया है कि वो पैसा पैसा पैसा, चारों तरफ पैसा पैसा दिखाई दिया, तो उसमें क्या हुआ कि हमने जो चीज़ हम खुद की तैयार कर सकते थे वो हम बाज़ार पर निर्भर हो गए। अब हमारे पास खेती है, मगर खेती में केवल सिंगल क्रॉपिंग में क्या हुआ कि हमने गन्ना पैदा कर लिया या गेहूं पैदा कर लिया या धान पैदा कर लिया, बाकी जितनी भी चीज़ें हम बाज़ार पर निर्भर हो गए, तो उससे क्या हुआ कि हमारी जितनी भी इनकम आ रही थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारा अपने घर की ज़रूरतें पूरा करने के लिए खर्च होने लगा। और दूसरी बात यह है कि उसकी भी गुणवत्ता का पता नहीं कि जो हम बाज़ार से चीज़ ले रहे हैं, धनिया ले रहे हैं, मिर्च ले रहे हैं, लहसुन ले रहे हैं या आपकी हल्दी ले रहे हैं, जो पाउडर शेप में आ रही है वो कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही हैं। तो मैंने ये प्रयास किया कि हम अपनी घर की ज़रूरतें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी घर की ज़रूरतें अपने घर से, अपने खेतों से पूरा कर सकें, तो वो हमारी आमदनी को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। अब जैसे कि आप देख भी रहे हो, मैंने अपने खेतों में जो है कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं अपने खेत पे तैयार कर लूँ। मसालों में धनिया है, सौंफ है, जीरा हमारे यहाँ नहीं हो पाता है, मैंने प्रयास किया नहीं हुआ, बाकी की मिर्च अच्छी हो जाती है, हल्दी अच्छी हो जाती है, तो 4-5 मसाले तो हम बहुत आसानी से अपने पूरे साल अपने घर चल हो जाते हैं, प्याज है, लहसुन है। मतलब किसान जो पहले अपनी पारंपरिक चीज़ों को छोड़ चुका है, वो अपने खेत में अपने खाने की चीज़ें तो कम से कम करता था, जो अब नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब पहला काम तो किसान को ये करना चाहिए कि वो अपने घर में जो प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उनको वो अपने खेत पे उगाए। बिल्कुल। सेलेक्टेड खेत पे उगाए और खेत में उगाने के साथ साथ जो है
कोशिश करे कि वो पर्टिकुलर एरिया ऑर्गेनिक तरीके से करे, उसको कम से कम अपने खाने के लिए स्वस्थ करे। बिल्कुल, मेरा तो मानना ये है कि अगर हम एक बिस्सा जमीन यानी कि 100 गज अगर ज़मीन को भी हम ऐसा एक्वायर कर लें कि समस्या रहती है कि भाई जंगली जानवर हैं, हम मानते हैं जंगली जानवर हैं, मगर 100-200 गज जमें या 1-2 बिस्सा जगह को हम अगर कवर कर लें तो उसमें अपने लिए फल सब्जियां, मसाले और शुद्ध पैदा कर सकते हैं। चलिए, ये तो एक छोटे स्तर की बात हुई। जैसे मैंने बात की कि इनकम किसान की कैसे बढ़े, तो आप इस ओर क्या प्रयास कर रहे हैं? जैसे मैंने सुना है कि आपने फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बना ली है, आपके साथ बहुत सारे फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो वो आप कैसे कैसे कर रहे हैं? इसके लिए हमने किसानों को बैठकर समझाया, उनका एक संगठन बनाया है। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो पहले किसान जिसने जो बता दिया वही कर लिया, चाहे वो अच्छी जानकारी है चाहे गलत जानकारी है। अब संगठन बनाने का हमें ये फ़ायदा हुआ रहा कि जो भी जिले स्तर से या प्रदेश स्तर से जो भी अच्छी योजनाएं आती हैं किसानों के लिए, उस हमको सीधे जानकारी मिल जाती है और उसमें किसी तरह का लाग लपेट नहीं होता। जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी हमारे संपर्क में रहते हैं, तो हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें सारी जानकारियाँ सारी योजनाएँ हमें सीधे मिल रही है। पहले क्या होता था कि पहले अगर इंडिविजुअल किसान कोई योजना जानकारी लेना चाहता था तो वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं होती थी, अगर पहुँच हो भी गई तो उसको चक्कर काटने पड़ते थे। तो संगठन का ये फ़ायदा है कि अब हमारे जो चाहे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, चाहे KVK वाले हैं, चाहे दूसरे विभागों के लोग हैं जो कृषि से संबंधित हैं, तो वो तवज्जो देते हैं। कितने किसानों के साथ आप कर रहे हैं खेती जो है ऑर्गेनिक खेती? अभी हमारे साथ लगभग 125 किसान जुड़े हुए हैं और सभी धीरे धीरे स्टार्टिंग की कंडीशन में हैं। अभी हमने सबसे यही बोला है कि अपने घर के लिए पैदा करें, मैं अभी किसी के बिक्री के लिए पैदा मत करो, पहले सीखो और धीरे 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 अपने खेत का स्वास्थ्य अच्छा करो। क्या क्या उत्पाद हैं आपके पास में जो आप खेती से बिल्कुल प्योर शुद्ध तैयार कर रहे हैं? उत्पादों में गेहूँ है हमारे पास, धान भी है, गन्ना है, ये तो मुख्य फसल हमारी पहले थी ही, साथ में अब सब्जियां में हम शुरू की हैं। सब्जियों में घिया है, तोरी, करेला और भिंडी, ये सब चीज़ें हैं। अरबी भी इस बार हम लगा रहे हैं। जैसे आप शहर के नज़दीक हैं, यदि कोई भी आम लोग जो हैं कोई संपर्क करना चाहें आपसे, तो क्या किस तरीके से आप उनको प्रोडक्ट उत्पाद जो है उपलब्ध करा पाओगे? अभी हमारे जो जिला मुख्यालय गाज़ियाबाद में ही हमारे जो CDO हैं या DDO हैं उन्हीं के संपर्क में, या DHO हैं हमारे जिला उद्यान अधिकारी, उनके संपर्क से अभी बातचीत हुई है कि वो हमें जो हमारी सब्जियां हैं, सबसे बड़ा चैलेंजिंग है ऑर्गेनिक में सब्जियां, क्योंकि अनाज, दालें, धान, गन्ना ये तो बहुत लोग कर रहे हैं मगर सब्जियाँ बहुत कम लोग करते हैं। उसका कारण ये है कि मैंने भी पिछले 2-3 सालों से किया है, तो दिक्कत ये आती है कि हमारे पास 1 क्विंटल माल अगर हो रहा है मगर उसकी खपत कम है, तो उसमें दिक्कत ये होती है हमें इनऑर्गेनिक बाकी जैसे सब्जियां मंडी में जाए ऐसे ही हमें बेचनी पड़ती है, मतलब मार्केट उपलब्ध नहीं है। तो इस बार प्रयास है कि हमारा प्रशासन भी हमारी हेल्प करने को तैयार है और वो इन्वाइट कर रहा है कि आप आइए, अपना जो उत्पाद है हमारे यहाँ पर रखिए। मतलब वो आपको जगह भी देने को तैयार हैं जिससे कि आप और आपका ग्रुप के जो भी उत्पाद हैं उनको आप अच्छे से बेच पाएं। और दूसरा ये कि लोग वो तो बहुत हैं जो चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले, मगर अभी हमारे सामने भी चैलेंज ये है कि हम किस तरह से उसको मैनेज करें। प्रयास कर रहे हैं कि उम्मीद है कि इस साल हम काफ़ी हद तक इसमें सफल हो जाएंगे। प्रदीप जी, जैसे सब्जियों की खेती करते हैं या अन्य खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं किसान के सामने कि वो कीट और बीमारी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि चलन नहीं है, ज़मीन और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट इस तरह का हो चुका है कि केमिकल्स ही चारों तरफ हैं, आधुनिक खेती में सब लिप्त हैं। तो आपके सामने जो ये चैलेंज आते हैं तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जो ऑडियंस हैं, जो किसान हैं जो देख रहे हैं आपका वीडियो? हमने जो भी हमारे किसान साथी जुड़े हुए हैं हमारे संगठन से, तो हमने उनको अपना खाद और दवाई बनाने का प्रशिक्षण दिया है। वो अपने खेतों पे जीवामृत, घनजीवामृत और जो 10 पर्णनाशी ये बना रहे हैं, और साथ ही हमने कुछ ये बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइज़र ये भी हमने उपलब्ध कराए हैं अपने किसानों को। हरिद्वार में गौशाला है, वहाँ से हमने ये चीज़ श्री कृष्णान गौशाला, तो उसमें अभी हम जैसे हमारे सब्जियों की बुआई हुई है तो बुआई के समय हमने खेतों में ज़मीन के अंदर ट्राइकोडर्मा और सुडोनोमास बवेरिया इन तीनों से बीज उपचार और भूमि उपचार करा दिया है।
क्या रेस्पॉन्स आया इनका? अभी रेस्पॉन्स ये आया कि पहले जो इसकी सब्जियों की फसलों में हमारे यहाँ क्षेत्र में जैसे कि घिया, तोरी, करेला, विल्ट की प्रॉब्लम आती होगी, गलन की प्रॉब्लम आती, पूरी बेल सूख जाती थी। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो है अभी लो टनल में सब्जियां हो रही हैं। अभी जैसे रात का टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो वो लो टनल हट जाएगी, बाकी की हमारी सब्जियां 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएंगी। अब जैसे ही वो खुलेंगी तो उसके बाद पहले जो लोग किसान क्या करते थे उन पर कीटनाशकों का प्रयोग करते थे, अब हमने कुछ कीटनाशक भी वहाँ से उपलब्ध कराए हैं। और कोशिश ये रहती है हमारी 99% कोशिश रहती है कि हमारा अपना किसान खुद का पेस्टिसाइड जैसे मट्ठा है या नीम के पत्ते हैं या भांग के पत्ते हैं इनका प्रयोग वो करें। और किसान समझ भी रहे हैं, उन्होंने अपने खेतों पर टैंक भी लगाए हुए हैं, ड्रम रखे हुए हैं, धीरे 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 लोगों में की आदतों में बदलाव आ रहा है, आ रहा है। प्रदीप जी, तत्वों के मैनेजमेंट के लिए आप किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं? जैसे जैविक खेती करने वाले को या प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, तो आप किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं? जैसे कि आप देख भी रहे हो कि मैंने इस बार गेहूं और मसूर एक साथ बोई है, उसका प्रबंधन ये है कि जैसे कि आप देख भी रहे हो कि जो हमने ये बेड बनाई है, इस बेड के दोनों सिरों पे हमने गेहूं लगाया है और बीच में मसूर लगाई है, क्योंकि गेहूं को ज्यादा पानी की जरूरत होती है और मसूर को कम पानी की जरूरत होती है। तो आपके सामने है, ये देख लीजिए खेत कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हरा है और कोई तत्व की कमी नहीं है, क्योंकि जो ये मसूर है, मसूर की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठें होती हैं जो नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं, हवा से नाइट्रोजन लेकर के फिक्स करती हैं और गेहूं को प्रदान करती हैं, मतलब वो खुद भी पोषण हो रहा है और गेहूं को भी पोषण दे रहा है। तो ये इस तरह की जो टेक्निक्स हैं ये जैविक खेती वाले किसान को जरूर करनी चाहिए। और इसमें मैं ये चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब हमने बोया था ना तो हमने बीजोपचार में जो मेटाराइजियम और सुडोमानास तो किया ही किया था, उसके साथ साथ में हमने इसमें जो है PSB और ये एजेटोपेक्टर उनसे भी हमने इसको उपचारित किया था, तो वातावरण से भी बहुत सारे तत्व ले रहे हैं। अगर प्रयोग की बात करें तो मैंने इस बार अपने खेतों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 100 पेड़ मैंने लखनऊ से लेके आया था जो श्वेता वेराइटी है। उसमें दिक्कत यह है कि इस बार थोड़ा सा प्रबंधन में हमारी देरी हो गई तो नील गायों का प्रकोप हो गया कि वो हमारे अमरूद खाली है मगर दोबारा से फूट रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमने देखो स्टीविया लगाया हुआ लाइन पर, इस पर ये स्टीविया है और आगे भी है, ये भी है स्टीविया ऐसे ही जी। और मेड़ों पर आप देख रहे हो धनिया है, मतलब स्टीविया है, साथ में अमरूद है, अमरूद के साथ में लहसुन है और लहसुन के साथ धनिया भी है। और लहसुन के साथ ही अभी हम लगभग 20 दिन बाद लहसुन में ही अब हम अरवी रोपाई कर देंगे और जब इसे पानी आएगा तो वो पानी के साथ वो अपना जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा और जैसे ये निकलेगा अप्रैल में तो उसकी हम निलाई गुड़ाई करना शुरू कर देंगे। और एक चीज़ हम अभी और जोड़ रहे हैं, हमारा 10 फुट पर हमारा अमरूद का पेड़ है, तो इसके बीच में हम पपीते का भी एक पेड़ लगाएंगे। ठीक, तो इससे ये हो जाएगा कि हमारे फलदार वृक्ष भी हो जाएंगे और मसाले वाली फसलें भी हो गई। और दूसरा जैसे अगर पपीते की बात करें तो पपीता कच्चा भी पपीता अच्छा बिक जाता है और पका हुआ भी अच्छा बिकता है। साथ ही वो प्रदीप जी बताना चाह रहे हैं कि हमें इंटरक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग करनी चाहिए, जिसमें फल वाले पौधे और जो अपने 4 से 6 महीने वाली फसलें हैं वो भी, और साथ में जो मसाले वाली फसलें हैं या फ्रूट्स क्रॉप हैं तो वो सब आप जो है ले सकते हैं। आलू का खेत है साथियों और इसमें इन्होंने मल्चर का इस्तेमाल किया था, इसमें कुछ नहीं डाला हुआ है, गोबर की खाद डाला हुआ है और थोड़ा बहुत जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर चलाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं जो आलू में चमक देखिए आप क्या है, और साइज़ भी आप देखिए बहुत अच्छा साइज़ बना हुआ है, ये साइज है। हाँ, ये जैविक खेती की करामात है। नो डाउट अभी थोड़ा सा उत्पादन कम निकलेगा लेकिन क्वालिटी की यदि हम बात करें तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें जो गन्ने का खेत था ये, गन्ने के खेत कटने के बाद जो पत्ती होती है हमने सारे उसको मल्च किया था, और मतलब आपने जलाया नहीं उसको और उसको मल्च कर दिया अच्छे तरीके से, और वेस्ट डिकम्पोजर चलाया होगा इसमें। इसको जो पहला पानी आया था ना उसमें हमने जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर चलाया, उसके बाद हमने जो बायो फर्टिलाइजर है वो डाले थे ऑर्गेनिक वाले, उनका स्प्रे किया था। ठीक है,
ठीक जैसे क्रब को का एनपीके आता अच्छा, कोई बीमारी जैसे ब्लाइट वगैरह या कुछ इस तरह जो भी है सबके सामने आई भी है, तो हमने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें। और उम्मीद तो हमें लग रही थी कि शायद ना हो इसमें पैदावार, क्योंकि ऐसा ना शुरू में जब पहले दूसरे खेतों के देखे तो उनकी बढ़त अच्छी थी और हमारे खेत की बढ़त बहुत कम थी। मतलब शुरू में ग्रोथ अच्छी नहीं आई। और जो फलत है वो भी अच्छी नहीं थी, मतलब पत्तियां वगैरह बहुत कम थी, झाड़ कम था। लेकिन जो बाद में देखा तो उस समय 7-8-10-12 आलू जो है बन रहे हैं अच्छे। उसका हमें अभी ये लग रहा है कि एक तो सबसे बड़ी खेत में ना जैसे देखोगे आप, तो एक फोक जो है पूरी सिटी, वो पूरी सिटी जो है सॉफ्ट हो गई है, ये देखने वाली बात है। यही जैविक खेती का आधार है कि हमने मिट्टी को ही स्वस्थ करना है जी। चले तो साथियों, आज आप मिले प्रदीप जी से और कंक्लूजन ये है आज की इस वीडियो का कि खेती तो करनी है, लेकिन खेती करनी है लंबे समय की खेती। और लंबे समय की खेती ऐसे नहीं होगी, पिछले 60 सालों से जो हमने मिट्टी का दोहन किया है उस दोहन को रोकना होगा और हमको जैविक खेती प्राकृतिक खेती तो करनी है, लेकिन सारे आदान उन वो डालने हैं जो ज़मीन को सही रखे, उसमें चाहे कंपोस्ट हो, बायो फर्टिलाइज़र हो, बायो पेस्टिसाइड हो, या कुछ यांत्रिक विधियां हो, येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप, लाइट ट्रैप, गेंदा लगाना हो, सूरजमुखी लगाना हो, उन सब चीज़ों का सहारा लेते हुए हमको प्राकृतिक खेती करनी है और टिकाऊ खेती की तरफ उसको लेके जाना है, जिससे हमारी लागत ठीक कम होगी और लागत के साथ साथ में ज़मीन की जो दशा है वो सुधरेगी। और यही जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है कि हमने अपनी ज़मीन को स्वस्थ करना है। ज़मीन जब तक स्वस्थ नहीं होगी तब तक हम कितना भी प्रयास कर लें, ज़मीन का जीवांश कार्बन जब तक नहीं बढ़ेगा, ज़मीन में रहने वाले मित्र जीव जो रसोइयाँ हैं उनकी मात्रा नहीं बढ़ेगी, तब तक हम जो है जैविक खेती नहीं कर पाएंगे। ये बात हर किसान को अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात है मार्केटिंग, वो मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट्स है, उसको भी ध्यान में रखना है। हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन करें और उसके साथ साथ उसको पैकिंग करें, ग्रेडिंग करें और मार्केट के लिए हम जो है उपभोक्ता के पास सीधे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।